मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, ये चाय वाले की चौपाल के जरिए क्या करने की कोशिश होगी? संदेश तो यही होगा ना कि चाय पीजिए, वोट दीजिए। नहीं, संदेश होगा कि इस देश में जो मजबूर इंसान है, गरीब इंसान है, उसको भी सपने देखने का अधिकार है और वो सपने उपलब्ध करने का भी अधिकार है, और मेहनत कश इंसान को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस देश की राजनीति में केवल परिवारवाद या राजा का बेटा राजा, ऐसा लोकतंत्र में नहीं चलेगा। ये संदेश होगा, और संदेश होगा कि मेहनत से आप सब कुछ, मेरिटोक्रेसी की जो बात लगातार की जाती है, और अपनी जितनी मजबूरियां उनसे कोई व्यक्ति लड़कर आगे बढ़ के इस तरीके से उनको महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त कर सकता है, वो संदेश होगा। महानता की मार्केटिंग होगी, मतलब? सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। मीनाक्षी जी, महानता की मार्केटिंग होगी एक तरह से? महानता की मार्केटिंग कहिए या देश के जो सपने हैं उनको साकार करने की बात कहिए, नजरिए का फर्क है। आपके नजरिए में महानता की मार्केटिंग होगी, मेरे नजरिए में महानता की कद्र होगी, और सही महानता किसको कहा जाता है वो माना जाएगा। मीनाक्षी लेखी जी, नरेंद्र मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ जो खुले हुए सवाल जवाब का सिलसिला होता है, ओपन क्वेश्चंस, उसके लिए कब आएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री पर आप लोग आरोप लगाते थे, वो भी मीडिया के जरिए खुले सवाल जवाब करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं वहां पर मंच से और चले जाते हैं, ये संपर्क में कमी आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है? देखिए, जब वक्त आएगा उस बात का भी आपको जवाब मिलेगा, लेकिन जब तक वक्त था मीडिया के पास, वो 2005 तक का समय था, और मीडिया ने उस 2005 के समय तक का किस तरीके से दुरुपयोग किया वो भी लोगों के सामने है। ये वही मीडिया है जिसने पिछले 8-10 साल से लगातार एक मुहिम के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक मंत्रणा ली हुई थी। तो अब वो मीडिया चाहता है कि उनके बीच आए, तो वो जरूर आएंगे, लेकिन वो लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों से सीधा संपर्क बनाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अगर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है वो उनसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ सकता है और उसका जवाब भी मिलेगा। ट्विटर पर वो लाखों लाख उनके फॉलोअर्स हैं, कहां जवाब देते हैं? मीनाक्षी जी, मुझे इसी 6 बजे की डिस्कशन में याद है, आपने कितनी बार कहा होगा कि देखिए आप लोग भी मजबूर हैं, आप भी मीडिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी के भाषण कैरी करते हैं, घंटों दिखाते हैं। तो आप इतना तो मानेंगी ना कि उस दौरान तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की, नरेंद्र मोदी के भाषण हमेशा दिखाए गए, आज भी जो उनका भाषण हुआ है शब्द बा शब्द पूरा सुनाया गया है। दिक्कत कहां पर है? मीडिया को भी आप लोग जज करने में इतने उलझ गए हैं या फिर सवाल जवाब से सीधे सीधे बच रहे हैं? नहीं, सवाल जवाब से बचने की कोई बात ही नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, उनकी नुमाइंदा हूँ, आप लोगों को जवाब देने के लिए। आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से कब आएंगे, इस बात का इंतजार रहेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह भी इस पर बोलते रहे। वापस हरीश रावत जी और आपका रुख करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि ये राजनीति जो 2014 की है वो किस तरह की है, बड़ी तस्वीर, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ बीजेपी, कहां ले जा रहे हैं ये देश की राजनीति।